चल चल भैया, अब भी वॉकिंग करने निकले हैं। ठीक है कर लीजिए, अगर आपका हो जाए तो हमें भी बता देना, हम भी यहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं। बिल्ले फ्रेंड्स, अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ देखो, घड़ी है वहाँ पर बज रहे हैं 4:20 इस घड़ी में भी। तो बेसिकली मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, यहाँ पर मैं कहाँ हूँ, कैसे आया, क्या है सब कुछ। और मैं इससे पहले के पहले व्लॉग में भी बताया था कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, तो वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा शायद इस व्लॉग में या फिर उसके बाद में। लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है मेरा, यहाँ से निकलने का टाइम है। तो ये जो मेटल के अंकल खड़े हैं, ये हमारा चेक पॉइंट है। सुबह 5 बजे मिलने का तय किया था, अभी 5:10 की देर है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी पहुंच गया आज। कभी कभी होता है ऐसा, जो बहुत ज़्यादा लेट पहुंचते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी भी पहुंच जाते हैं। कोई नहीं, अभी तो क्या है, यहाँ पर पूरा सुनसान है, आना है 10 मिनट के बाद उसे। मुझे लगता है वो आज लेट होगा, बेट लगाते हैं, चलो आज वो लेट होगा ही होगा। भाई तो वे आ कौन रहा है, ये तो मैं बताना ही भूल गया, डोरेमोन। हाँ, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो पता होगा। नहीं, आज वो नोडी भैया नहीं आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ी सी लंबी राइड पर, इसीलिए। घड़ी में बज रहे 5:01, लेकिन फिर भी वो नहीं आया, वो 1 मिनट लेट है। देखते हैं अभी कितनी देर लगती है वो, कितनी मिनट लेट आता है वो। मेरे को तो पता ही था वो लेट आना है। मैं यहाँ पर कई देर से बैठा हुआ हूँ, तो कुछ काम धंधा नहीं है, तो मैं सिर्फ काउंट कर रहा हूँ कितने व्हीकल्स गए और कितने वॉकिंग जॉगिंग साइकिलिंग वाले गए। तो देखिए, यहाँ पर आपको जितने वॉकिंग जॉगिंग वाले दिख रहे हैं ना, उतनी तो आपको व्हीकल्स भी नहीं दिखेगी। सच में व्हीकल्स भी कम जा रहे हैं, इतने ज़्यादा तो वॉकिंग करने वाले आ गए हैं, जॉगिंग करने वाले वगैरह वगैरह। तो अभी बज चुके 5:11, लेकिन अभी तक अपने वो डोरेमोन भैया का कुछ पता पता नहीं है। तो पिछले मैं यहाँ पर 20 मिनट से बैठा हुआ हूँ, अपने डोरेमोन भैया का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैंने उसे 3 कॉल किए, उसने एक भी नहीं उठाया। और अभी मुझे नहीं पता है कि वो घर पर होगा, जाग चुका होगा, निकल चुका होगा या फिर सो रहा होगा। अभी तक लगता है प्रोबेबली सो रहा होगा 90%, क्योंकि अगर नहीं सो रहा है तो फिर वो मेरा फ़ोन तो ज़रूर उठाता। और स्पेशली ना फ़ोन करने में दिक्कत ही आती है कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलर ट्यून आती है, सच में यार अभी तो रट्टा मार चुका हूँ मैं अभी तक उसका। अगर इस कॉलर ट्यून की जगह उन लोगों ने ना ट्रिगोनोमेट्री रख लिया होता ना, मतलब कुछ भी मैथ्स का, कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई का भी कुछ तो आ गया होता यार, कुछ अच्छा होता, कुछ प्रॉफिट होता, बेनिफिट होता। क्या हालचाल भैया, आप भी वॉकिंग करने निकले हैं? ठीक है कर लीजिए, अगर आपका हो जाए तो हमें भी बता देना, हम भी यहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं। बिल्ले ऐसा हाल है अपना। अभी 5:20 को मुझे ब्रिजराज का व्हाट्सएप कॉल आ रहा है और बोल रहा है, रुको मैं से यार तैयार हो रहा हूँ, अभी ज़रा ठीक ठाक होके अभी आता हूँ। अरे ओ कुत्ते साहब, जरा मेरे कॉल में मैं ना मेरी गिनती भूल गया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये व्हीकल्स की गिनती कहाँ पर पहुँची है, कितने व्हीकल्स गए, आप ज़रा मुझे बता सकते हैं ये? तो अभी 5:33 हो चुकी है और हमारे डोरेमोन भैया आ चुके हैं। एनीवेज, अभी रूट जो है हमने कल रात को डिसाइड किया था, लेकिन हमारा क्या है, हम तो रूट के हिसाब से कभी चलते नहीं है, लेकिन देखेंगे आज, क्योंकि ब्रिजराज को जो है टाइम लैप्स लेना है। तो ज़रा हमें बताएंगे कि आपका टाइम लैप्स हम हमारे यूट्यूब चैनल पर रख सकते हैं, हमारे ब्लॉग में नहीं रख सकते। ओके कोई बात नहीं, तो अभी ये कैमरा जो है वो ब्रिजराज की साइकिल के आगे यहाँ पर लगेगा टाइम लैप्स के लिए। और अगर मुझे व्लॉगिंग करनी होगी तो मैं मेरे फ़ोन से करूँगा। और देखते हैं, अभी वैसे भी सनराइज होने को आया है। वाइड हैंडल के साथ एक छोटा सा वाइड एंगल कैमरा बहुत अच्छा लगता है, उसमें 1080 फुल HD में एक हमने टाइम लैप्स शूट किया है। तो अभी हमने आधा रूट कंप्लीट किया, हाँ तो आधा रूट कंप्लीट करने के बाद हम ले रहे हैं रेस्ट। अभी वापस से हमें यू टर्न मार के जाना है, क्योंकि ये पूरा सर्किट भी नहीं है और पूरा A to B रूट भी नहीं है, तो कुछ ऐसा है।
तो रेस्ट करके वापस से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो ये BRTS रूट है ये अभी बंद होता है फिलहाल सुबह, तो हम उसी पर राइड कर रहे थे। टाइम लैप्स में अगर आपको पता चलेगा दिख जाएगा, वरना मैं आपको कह देता हूँ कि ये कितनी देर बाद बताएं कुछ शायद। तो 6 बजे अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो हम आराम से 1 घंटे में इसके और 3 राउंड लगा सकते हैं ना आराम से। तो अभी का प्लानिंग तो यही है, 5 मिनट रेस, उसके बाद वापस से स्टार्ट करना है। और कोई रिप्लेसमेंट है हमारे पास? कुछ नहीं, मैं भी पानी की बोतल लाने वाला था, नहीं लाया क्योंकि मेरा ये जो किधर गया, हाँ ये जो होता है वो बोतल होल्डर वो बहुत ही लूज है। मैंने सोचा कि वो अगर गिर जाएगी तो मतलब गई, और अगर उसे संभालने में रहे तो मतलब मज़ा नहीं आएगा साइकिलिंग का, उसके ऊपर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा, बोतल ना गिर जाए। इसीलिए सुबह जब निकला था तो राजकोट के उस छोर पे था, मतलब पैलेस रोड पे, और अभी मैं राजकोट के एक और छोर पे हूँ, मतलब माधापर चौकड़ी पे, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक आ गया, अभी तीसरे छोर पर जाना है और वहाँ से घर जाना है, चौथे छोर पर अभी नहीं जाना है। ठीक है, अगर ब्रिज राइड नहीं आता तो स्पेयर में मेरे पास एक प्लान था। अगर सच में सच बोल रहा हूँ, अगर तूने ना 5:30 तक मेरा कॉल अटेंड नहीं किया होता ना, तो मैं एक और दोस्त था उसने मुझे बोला था 6 बजे वो लोग जाने वाले थे राजकोट के चौथे छोर पर, मैं वहाँ चला जाता। मैं सावला नहीं, मैं निशिल नहीं हूँ, मैं ब्रिज राज हूँ, समझ? ओ मतलब सॉरी, मैंने निशिल को जानते होंगे, नहीं जानते तो पिछले व्लॉग में देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, और अगर भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तू ही बता देना भाई मुझे, वरना मैं भूल जाऊँगा उस व्लॉग की। वो मैंने कहा था कि ये नादान सी चीज़ मेरा दोस्त है, वो मेरा फ्रेंड है सावला, मैं सॉरी उससे तुझसे कंपेयर कर रहा था, सॉरी तुझे उससे कंपेयर कर रहा था, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। आज के लिए बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम जोगिया साइनिंग ऑफ।